हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम रिएक्ट करने वाले हैं अर्तुगरुल गाजी वर्सेस उस्मान बे पार्ट टू। ये हमने एक वीडियो किया था जिसमें पार्ट वन में हमने देखा था दोनों में कंपैरिजन हुआ था फादर और सन में। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो क्या देखा, मतलब ये वीडियो से पहले आप लोगों को वो वीडियो देखना चाहिए, तो उस वीडियो को ज़रूर देखना, मेरे चैनल पर चेकआउट करना। अभी रिसेंट मैंने वो वीडियो पर रिएक्ट किया है, वो पार्ट वन था, यहाँ पर है पार्ट टू। इसमें उस्मान गाजी और अर्तुगरुल गाजी दोनों के बीच होगा तगड़ा वाला मुकाबला। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को देखना, बट बिफोर आई स्टार्ट इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम अगर आप लोगों ने वहाँ मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। वेलकम टू हेदर्स वर्ल्ड, डोंट बी वेलकम टू हेदर्स वर्ल्ड। ओके यस, इन्होंने भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ऐसा लग रहा है आमने सामने बैठ के दोनों, मतलब आप बिल्कुल सामने बैठ के ये लोग बात कर रहे हैं। Ol deyince olduran, gönüllerimizi imanla dolduran yüce Allah'ım. El Fatiha. वीडियो पॉज हो गया, आई थिंक कॉपीराइट इश्यू आया होगा। इसी तरह अर्तुगरुल गाजी ने भी कई बार मारा है लोगों को। We'll be right back.
वीडियो इज फिनिश। ये था वीडियो इर्तुगुल गाजी वर्सेस उस्मान बे, जिसमें ये पार्ट टू है। पार्ट वन हमने आपको बताया कि पहले हम रिएक्ट कर चुके हैं, सो इसके अंदर बहुत सारी इनकी जो चीज़ें थी मुझे सिमिलर लगी, बहुत सारी चीज़ें। जैसे कि कभी जैसे इर्तुगुल गाजी सफ़र में हुआ करते थे तो वो हमेशा पेड़ जहाँ पर उन्हें पेड़ वगैरह की दरख्त वगैरह नज़र आती थी तो उसके हमेशा वो आराम करते थे वहाँ बैठ कर, रुक कर थोड़ी देर, एंड वो अपने घोड़े से बातें किया करते थे। वो उनका बहुत अच्छा दोस्त भी था। के साइड से भी हमने ये देखा कि वो भी जब कहीं थक गए हैं, रास्ते में जा रहे हैं किसी राह पर, एंड वो भी एक जगह रुक कर अपने घोड़े से बात कर रहे हैं। सो एक चीज़ तो कन्फर्म है कि दोनों अपने घोड़े से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे और दोनों अपने घोड़ों से बहुत ज़्यादा बातें भी किया करते थे, वो चीज़ देखने को मिली। बट दोनों की सिमिलैरिटी एक चीज़ नहीं थी, मतलब जो इर्तुगुल गाजी का जो हॉर्स दिखाया था, जो घोड़ा था, वो वाइट कलर का था, बहुत ही प्यारा सुंदर सा घोड़ा। मुझे वाइट हॉर्स वैसे भी बहुत पसंद है। और जो उस्मान है उनका जो घोड़ा, मैंने मैक्सिमम अभी तक जितनी क्लिप्स देखी हैं सब में मैंने देखा उनका घोड़ा या तो डार्किश ब्राउन सा या ब्लैक सा, कुछ ऐसा कुछ कलर है। प्रॉपर ब्लैक भी नहीं है, डार्किश ब्राउन सा कलर है। तो घोड़ों का कलर तो सिमिलर नहीं है, घोड़ों का कलर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। और एक वो वाला सीन काफ़ी अच्छा था जिसमें एक जगह इर्तुगुल गाजी जहाँ पर बम्सी को लगता है कि अब तो वो नहीं बचने वाले, अब तो वो गए, उनके पास एक छोटा बच्चा भी होता है काफ़ी गोरा सा, वो बम्सी का बच्चा दिखाया, आई थिंक उन्हीं का कोई बेबी दिखाया होगा। सो वहाँ पर इर्तुगुल गाजी आके बचाते हैं अपने तीरों से वार करके, तो बम्सी वहाँ बड़े खुश हो जाते हैं। सेम उस्मान की साइड से भी हमने देखा कि वहाँ पर भी कोई एक होते हैं, बहुत सही दमदार पर्सनालिटी वाले लग रहे थे वो, जो भी थे ऐसे घुटनों के बल बैठे होते हैं, उनको भी लग रहा होता है कि अब तो मैं घिर चुका हूँ, अब मैं नहीं बचने वाला। बट सडन वहाँ पे ऑन द स्पॉट उस्मान आ जाते हैं एंड वो उनको बचाते हैं। सो वो वाली चीज़ बहुत ज़्यादा सिमिलर थी दोनों की, नमाज के बाद जिस तरीके से दुआ मांगने का तरीका है वो सिमिलर था। सो इसमें वर्सेस वाली तो कोई चीज़ मुझे ऐसी लगी नहीं, बट दोनों की सिमिलैरिटीज़ मुझे ज़रूर देखने को मिली। वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, बहुत अच्छा लगा, मुझे काफ़ी पसंद आया। सो गाइज, दिस वॉज माई रिएक्शन, आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।